की बात से पूरी तरह से सहमत होते हुए उसी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूं। देखिए, ये जो सरकार हमारे सामने है, ये प्रतिपक्ष को की गतिविधियों को लगातार सीमित और सीमित करते हुए देख रही है और करना चाहती है। और ईडी नाम का जो एक की जो संस्था हमारे सामने आई है, जिस रूप में आई है, ये पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इसका जो स्वरूप हमारे सामने दिखा है, वो स्वरूप अदालत के समांतर एक त्वरित अदालत के रूप में है। और एक इस रूप में जो अदालत का मूल सिद्धांत है कि जिसके ऊपर आरोप लगे, आरोप लगाने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करे, इसमें है कि जिन पर आरोप लगाए उनको ही साबित करना है, ये बेसिक है। और इसी बात का फायदा जो है उठाया जा रहा है कि ईडी चाहे जिसको ग्रिल कर दे और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कि वो साबित करे कि वो निर्दोष है। और इस बात का फायदा उठाते हुए प्रतिपक्ष के तमाम नेताओं को एक के बाद एक टारगेट किया जा रहा है। एक तरह से उनको एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसको वो चाहे जैसे अपने खिलाफ, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस्तेमाल करें, और ये सरकार ऐसा कर रही है। अब है कि इससे लड़ा कैसे जाए, इस स्थिति से कैसे लड़ा जाए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और ये बहुत सुखद बात है कि देश की 17 पार्टियों ने मिल करके ये जो पीएमएलए एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई और उसको जायज ठहराया गया, उस पर एक नाराजगी आई इस राजनीतिक जगत से कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। ईडी को ये जो अधिकार है ये सही नहीं है, और इसकी वानगी आज हम देख रहे हैं। ये बात बोलते हुए और एक कुछ घंटों की तो बात है और उसकी वानगी हम देख रहे हैं। राजीव जी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आपकी स्क्रीन पर जो खबर ब्रेकिंग के तौर पर चल रही है कि राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई या सोनिया गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, इसको करेक्ट किया जाए। ये सुरक्षा बढ़ाने का मामला नहीं है, ये मैं पूरे देश की मीडिया में देख रहा हूं और शायद यहां आपके एडिटोरियल के बैठे हुए लोग ने भी उनकी नकल करते हुए इसको लिख दिया है, लेकिन ये सुरक्षा बढ़ाने का मामला नहीं है। पूरी मीडिया को ये करेक्ट करना पड़ेगा। जो सुरक्षा किससे, अरे ये तो सील करने का मामला है, ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन का मामला है। पुलिस वहां क्या सुरक्षा करने के लिए राहुल गांधी के घर के बाहर खड़ी है? क्या सोनिया गांधी के घर के बाहर खड़ी है? अर्धसैनिक बल तैनात है? ये सुरक्षा नहीं, ये डराने वाली कार्रवाई है। ये पूरे देश को डराया जा रहा है कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके सबसे प्रमुख नेताओं के घर पर हम इस तरीके से सुरक्षा बल को तैनात कर सकते हैं, बिना किसी कारण के तैनात कर सकते हैं। आपको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कीजिएगा, आपको जो कानूनी रूप से कार्रवाई करनी है कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके घर के बाहर ये मजमा जो लगाया गया है संगीन के साथ में, बंदूक के साथ में, ये डरा विपक्ष को डराने वाली कार्रवाई है, ये सुरक्षा नहीं है। ये आंखों में धूल झोंकने जैसी बात है कि मीडिया की ओर से कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के घर सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये मैं महत्वपूर्ण बात ध्यान दिलाना चाहता था कि ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने जिस रूप में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रतिक्रिया दी है, जो मजबूत इरादे दिखलाए हैं कि इसका हम प्रतिकार करेंगे, और तो ये एक अच्छी बात है कि वो प्रतिकार करने के लिए खड़ी है, सरेंडर करने के लिए खड़ी नहीं है। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे ने सरेंडर नहीं किया ईडी के सामने, संजय राउत के साथ जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को बीजेपी इस रूप में पेश कर रही है कि विपक्ष में जितने सारे नेता हैं वो एक के बाद एक भ्रष्ट हैं। यानी राजनीतिक दल अपने भ्रष्टाचार की सफाई दें, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन ये कांग्रेस ने बहुत सही किया है कि कोई सफाई नहीं देंगे, जो भी बात होगी वो अदालत में होगी, अदालत से बाहर राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हमें अच्छा लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन आरोपों पर कोई बात नहीं की गई जो आरोप अदालत ने केस बन करके हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से सारे जगह पर, सारे टीवी चैनल्स में भी उन्हीं बातों को लग करके वो जो कंगारू कोर्ट्स वाली बात है उसको किया जा रहा है, कंगारू कोर्ट्स लगाए जा रहे हैं। परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस को डिफेम किया जा रहा है, उस कांग्रेस को जिसके गांधी नेहरू परिवार बोला जाता है कि गांधी परिवार ने ऐसा किया, गांधी परिवार का अतीत देख लीजिए, उसके परिवार का एक एक मेंबर जो कुर्बानी लेकर के देश के लिए आया है। मैं
ऐसा नहीं कि मैं कोई चापलूसी में कह रहा हूँ, आप पूरी पूरा इतिहास खंगालने की जरूरत, इतिहास ने उतना महत्व तो नहीं दिया गांधी परिवार को जितना दावा किया जाता है कि सारे स्वतंत्रता संग्राम में और सब चीज में गांधी और नेहरू है। नहीं, कहाँ मोतीलाल नेहरू का नाम उतने लिया जाता है, कहाँ उनकी पत्नी कमला रानी स्वरूप रानी नेहरू का नाम लिया जाता है, या कमला नेहरू का नाम लिया जाता है, या उनकी बेटियों का नाम लिया जाता है। सबके सब जेल गए, लेकिन दामाद तक मोतीलाल नेहरू के जेल गए, सारे लोग जेल गए। इतना ऐसा परिवार देश में दुनिया में नहीं मिलेगा, देश में तो छोड़िए दुनिया में नहीं मिलेगा, जिसके परिवार की बेटियां बेटे बहू सब जेल गए हो, लाठियां खाई हो, खून बहाए हो, जान दी हो, और उस परिवार को जिस तरीके से ग्रिल किया जा रहा है, क्या हम भूल सकते हैं बीपी सिंह ने वो कागज लहराते हुए कहा था कि ये स्विस बैंक में अकाउंट के हमारे पास है। झूठी बात कह करके बीपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन चलाया था, जनता में भ्रम फैलाया था। उसके बाद भी वो 2G 3G घोटाले की बात जो आई, वो जो कोयले घोटाले की बात आई, उसमें क्या हुआ? सारे झूठ का जो खामियाजा है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। एक बार फिर से झूठे तरीके से ये जो मामला है ईडी का, यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड का, इसलिए मैं झूठ कह रहा हूं क्योंकि इसमें एक पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की बात अब तक नहीं सामने आई है। एक पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना, उसका कोई प्रॉफिट, कोई हस्तांतरण, मनी का एक्सचेंज कहीं कुछ हद तक ईडी दिखा नहीं पाई है। लेकिन इसके बावजूद इतने सारे सवाल पूछे गए, सारे जवाब सामने आए, लेकिन उसका जो ज्यूडिशियल तरीके से उत्तर देने के बजाय ये डराने धमकाने और शासन की ताकत का जो ये दुरुपयोग हो रहा है, इसी को सही मायने में तानाशाही कहते हैं राजीव जी, सही मायने में तानाशाही। सुनील शुक्ला जी, क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई है ईडी की कार्रवाई, और ये आनंद फानंद में, जबकि सामने 12 दिन बाद आज़ादी के 75वें साल पर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज से तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है, कांग्रेस 5 तारीख से तिरंगा यात्रा शुरू करने वाली है, और मोदी सरकार की पोल खोलने का दावा कर रही है कांग्रेस की आने वाले समय में हम करेंगे, ये सब उनका जो कार्यक्रम है पहले से तय है। आपको भी याद होगा कि पहले इसकी घोषणा हो गई थी, खासकर जो उदयपुर में इनका कार्यक्रम हुआ था उसमें। लेकिन एक बात यहाँ पर प्रशांत टंडन जी की बात जो है उसको भी यहाँ लाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी हो सकता है कि सितंबर में अगले महीने कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं, और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अगर बनते हैं तो अब की बार शायद बहुत मजबूती के साथ खड़े दिखाई देंगे अपने पार्टी के साथ में। अभी भी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, फिर भी कई बार उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि अध्यक्ष नहीं है, फिर भी वो बहुत ऐसे फैसले लेते हैं जो अध्यक्ष को लेना